इस टाइम सोशल मीडिया पे कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही अजीबोगरीब वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, तो उन सब कंफ्यूजन और र्यूमर्स को भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस जो चाइना के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ और दुनिया के 25 देशों में फैल चुका है। अभी तक चाइना में 304 लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो कंफर्म हुए हैं वो है 14,380, जो फ्राइडे को बस 2600 था। तो देखिए कितनी तेजी से फैल रहा है और अभी तक इस वायरस का कोई भी एंटीडॉट या वैक्सीनेशन नहीं ढूंढा गया है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसकी वैक्सीनेशन की खोज में लगे हुए हैं। पहले ये वायरस एनिमल्स टू ह्यूमंस आया और अब ये ह्यूमंस टू ह्यूमंस फैल रहा है। कोरोना वायरस की अवेयरनेस वीडियो सीरीज में 4 से ज़्यादा वीडियोस में बना चुकी हूँ। अगर आप कोरोना वायरस को एंड टू एंड समझना चाहते हैं, ये कहाँ से और कैसे चमगादड़ से इंसान में आया, ये 2003 में फैले सार्स से कंपैरेटिवली कितना खतरनाक है, WHO इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बच सकते हैं, कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या रूमर्स फैली हुई हैं और इंडिया में ये क्या महामारी का रूप ले सकता है, इन्हीं सब टॉपिक्स पे जानकारी पाने के लिए आप उन वीडियोस को जरूर देखना। उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप भी अवेयरनेस फैलाने की मुहिम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हेल्प करो, ताकि जो फैले हुए र्यूमर्स हैं लोग उन पर ध्यान ना देकर कोरोना वायरस के भयवे रूप को समझें और अपना ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों के कोरोना वायरस को लेकर सवाल हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो आपने मेरी पिछली वीडियोस पे कमेंट करके पूछे हैं। हालांकि मैंने आपको वहाँ जवाब दे दिया है, पर मुझे लगता है कि जो आपके सवाल हैं उसी तरीके के सवाल बहुत सारे और लोगों के भी हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके उन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि लोगों के कॉमन क्वेश्चंस को उठाऊं, उनको आंसर करूं। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपने मुझे कमेंट किया था और मैंने उसको इस वीडियो में नहीं लिया है, तो आई एम वेरी सॉरी। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी अगली वीडियो में आपके क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करूं। तो बने रहें आप सब मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलो आइए अब आप लोगों के द्वारा पूछे हुए सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल है अमरेंद्र सिंह का, मुझे लगता है उन्होंने सवाल पंजाबी में लिखा हुआ है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैनू कल जुकाम हो गया एंड गला खराब हा, मैनू पता नहीं लग रहा आ वायरस हा या सिंपल जुकाम या गला दर्द। अमरेंद्र जी, जो आपको अपनी हेल्थ को लेकर कंसर्न है मैं बिल्कुल समझती हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस के अर्ली सिम्टम्स भी कुछ ऐसे ही हैं, नाक का बहना, खांसी, जुकाम, गले में खराश रहना, गले में दर्द रहना। लेकिन अगर आपने अभी रिसेंटली चाइना ट्रैवल नहीं किया है या किसी चाइना से आने वाले व्यक्ति के संपर्क में आप नहीं आए हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको नॉर्मल खांसी जुकाम है जो सीजनल होता है, और आप अपने पास के मेडिकल क्लिनिक में जाके कंसल्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट्सएप लव स्टेटस चैनल से, उनका सवाल है कि मैम मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से हूँ, यहाँ पर वायरस क्या फैल चुका होगा, प्लीज़ मैम बताइए। उत्तर प्रदेश में 2 केस सामने आए हैं कोरोना वायरस के, पर जब उनका टेस्ट हुआ है तो उनके रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं, जिसका मतलब ये है कि उनको कोरोना वायरस नहीं है। ये जो 2 सस्पेक्टेड केस थे ये स्टूडेंट्स हैं जो वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और चाइना से अभी इंडिया आए थे। दूसरा डर जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को हो सकता है, वो मैं ये मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर नेपाल को टच करता है और नेपाल में एक कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस पाया गया है। पर डरने की बिल्कुल बात नहीं है, नेपाल एयरपोर्ट पे भी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद ही उन्हें इंडिया में एंटर करने दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है गौरव गंगता का, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। उनका ये मानना है कि भगवान ने हमारी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम दिया है, जिससे कि हमारी बॉडी हर एक वायरस से लड़ सकती है, और अगर वो नहीं लड़ सकती तो उसकी क्षमता हम हेल्दी खाना खाने से पा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 3,20,000 से ज़्यादा वायरसेस हमारी बॉडी पर अटैक करते थे और अभी भी करते जा रहे हैं। इसके लिए गॉड ने हमें एक शील्ड दी है जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारी बॉडी उन वायरसेस से लड़ सकती है, जैसे कि वायरस हो गए डेंगू हो गया या फिर N1H1 वायरस हो गया, जिससे हमारी बॉडी लड़ सकती है। बट कुछ वायरस ऐसे हैं जिनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी के पास इम्यूनिटी नहीं है, और कोरोना वायरस उनमें से एक है। ये वायरस क्योंकि जानवरों से आया है तो शायद हमारी बॉडी अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारी बॉडी के पास अभी गार्ड्स नहीं है उस वायरस से लड़ने के। तो जैसे ही कोई ना कोई वैक्सीनेशन या एंटीडॉट मिल जाएगा,
तो हम इस वायरस से सेफ हो सकते हैं। हेल्दी फ्रूट्स हम खाएं, बट हम ये मान के नहीं चल सकते कि अगर हम हेल्दी खाना खा रहे हैं तो इस तरीके के वायरस हमें अफेक्ट नहीं कर सकते। हमें अपना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है एक यूज़र का, अननोन 666। वो पूछते हैं, अ वुमन हैज सस्पेक्टेड इन रांची अबाउट 2 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, शुड आई हैव अ मास्क एट होम ऑल्सो? अगर ऐसा है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और मेरे हिसाब से तो आपको मास्क पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये सस्पेक्टेड केस है इसको पुणे भेज दिया गया है और इनके सैंपल्स ले लिए गए हैं, और क्योंकि इनको पुणे भेज दिया गया है तो रांची इस वक्त कोरोना वायरस से सेफ है, आप आराम से घर पे रहें बिना मास्क के। अगला क्वेश्चन है हमारा UY स्कूटी से, उनका पूछना है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस वायरस, इज़ इट कमिंग फ्रॉम एन एनिमल? जी हाँ, जिस तरीके से रेबीज़ के वायरस के लिए डॉग्स को ज़िम्मेदार माना जाता है, उसी तरीके से ये वायरस भी कंजम्पशन ऑफ वाइल्ड एनिमल से फैला है, और रिसर्च से पता लगा है कि ये सांप या फिर चमगादड़ यानी कि बैट से इंसानों में आया है, और जबकि ये अब इंसान में आ चुका है, अब ये इंसान टू इंसान ट्रांसफ़र हो रहा है। अगली चीज़ जो लोगों को थोड़ा परेशान कर रही है वो है खाने पीने को लेकर, तो देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को भी। अमन पूछ रहे हैं, कैन वी ईट एग एंड चिकन, प्लीज़ रिप्लाई मी। काजल पूछ रही हैं, चिकन एंड फिश खाने से भी स्प्रेड होगा का क्या? ओवरऑल टिप्स पूछ रहे हैं, थैंक्स फॉर द वीडियो, पर एक क्वेश्चन है कि नॉनवेज खाएं अभी फिर? तो इन सब क्वेश्चंस का मैं यही जवाब देना चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी नॉनवेज खाने में, पर एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप जब भी खाएं उसे रॉ यानी कि कच्चा ना खाएं, उसको अच्छे से पका के खाएं। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडिया में कोरोना वायरस अभी उस तरीके से नहीं फैला है जैसा ये चाइना में फैला है। अभी बहुत सतर्कता बरती जा रही है और ये इंडिया में नहीं घुसा है, सिर्फ 1-2 केसेस आए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो लोग चाइना से ट्रैवल करके आए थे, तो आप नॉनवेज को आराम से खा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शनाज शेख का, वो पूछ रही है, क्या किसी पर्सन को वायरस है तो क्या पॉसिबिलिटी है रिकवर होने की? तो इसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को सिम्टम्स दिखते हैं अपनी बॉडी में कोरोना वायरस के, और वो इनिशियल स्टेज पे ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लेता है, उसको मेडिकल एड मिल जाती है, तो बहुत चांसेस हैं उसके बचने के, पर लेटर स्टेजेस पे बचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो वायरस बहुत ही जल्दी हमारी बाकी ऑर्गन्स में फैल जाता है, जिससे कि बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है रितम रस्तोगी का, उनका कहना है कि ये कोरोना वायरस SARS और MERS की फैमिली से रिलेट करता है, तो अगर हम इफ़ेक्टेड पर्सन को SARS या MERS की वैक्सीनेशन दें तब क्या कुछ हो सकता है या नहीं? देखिए, मुझे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट और डॉक्टर इसके ऊपर इस टाइम रिसर्च कर रहे हैं, और अगर ये SARS और MERS की वैक्सीनेशन से हेल्प कर पाता तो अभी तक इसका सोल्यूशन निकल चुका होता और इतनी महामारी नहीं फैलती। कुछ रीज़न्स हैं इसी वजह से ये अभी तक फैलता जा रहा है और कोई वैक्सीनेशन इसकी नहीं मिली है। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन कूले का, उनका पूछना है कि व्हाट इफ़ समवन इन इंडिया फील्स दैट ही इज़ फेसिंग ऑल दीज सिम्टम्स, देन इज़ देर एनी गवर्नमेंट सेंटर टू कॉन्टैक्ट? इसके लिए गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू करी है कि अगर आपने चाइना या फिर अफेक्टेड कंट्रीज़ में पिछले 1 महीने में ट्रैवल किया है और आपको ये सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो आप सेल्फ रिपोर्टिंग करके आगे आएँ, आपका प्रॉपर इलाज किया जाएगा, आपके सैम्पल्स लिए जाएंगे और आपके सैम्पल्स के रिजल्ट के बेसिस पे आपका इलाज किया जाएगा। और अगर आपने ट्रैवल नहीं किया और फिर आप इन सिम्टम्स को महसूस कर रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के पास वाले किसी भी क्लिनिक में जाके एक बार चेकअप करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राजा राम पी का, इनका क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। ये पूछ रहे हैं कि भारत कोरोना वायरस की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो सभी एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, और अगर किसी में कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं तो उनको वहीं से आइसोलेशन में रख के उनका इलाज किया जा रहा है ताकि ये देश में ना फैले। इसके अलावा 324 भारतीयों को चाइना से इवैक्यूएट करके इंडिया लाया गया है, और अवेयरनेस फैलाई जा रही है कोरोना वायरस को लेकर कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है शबनम शेख का, वो पूछ रहे हैं, आई एम इंडियन, आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम चाइना, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? तो चाइना से कुछ भी मंगवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज वो कोई खाने की चीज़ नहीं है, आप आराम से मंगवा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है तो कोई सामान चाइना से मंगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है अभी शर्मा का,
उनका ये पूछना है, दीदी ये वेजिटेरियन बंदों को अफेक्ट करेगा? तो जी हाँ, ये वेजिटेरियन बंदों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इनिशियली ये एनिमल्स टू ह्यूमन आया था, बट अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है। तो आपकी ईटिंग प्रेफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इन्फेक्टेड बंदे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये आपको अफेक्ट कर सकता है। तो मैं बस यही कहूँगी, आप अपना ध्यान रखें, सभी प्रिकॉशंस रखें, और इस कोरोना वायरस को लेकर जो भी अवेयरनेस आप फैला सकते हैं उसको अपनी कम्युनिटी सोसाइटी में फैलाएं। तो गाइज ये थी मेरी Q&A वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपके क्वेश्चन के भी आंसर आपको इस वीडियो में मिले हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और आपके अगर कोई और क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि अगली वीडियो में आपके उन क्वेश्चंस को लूं। और मैं यही कहूंगी कि आप कोरोना वायरस को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, और उसका यही तरीका है कि इस तरीके की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो देखते रहें आशिमास किचन, और अपना और अपनों का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें। शेयर दिस वीडियो इफ़ यू केयर फॉर ह्यूमन लाइफ।